प्रदेश करुणामूलक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री से इन्होंने वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे करुणामूलक का पक्ष रखा। उन्होंने गुहार लगाई कि करुणामूलक के आधार पर जल्द सरकार इन्हें स्थापित करे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछली सरकार के ऐसे बहुत से पेंडिंग काम हैं जिन्हें धीरे धीरे अब सुधारना और पूरा करना है। इसी प्रकार करुणामूलक नौकरियों के मामले में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सरकार ऐसे मामलों को जल्द निपटाएगी। क्योंकि अब देखिए, अभी तो हमें बने हुए 2 महीने हुए हैं, अब सारी समस्याएं पिछली सरकार की हमारे पास आ रही है, अब हमें निपटाना है। समस्याओं को हम चुनौती मानकर निपटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए होता है, तो इसलिए समय के अनुसार उन परिस्थितियों को हम निपटाएंगे। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री से राज्य सचिवालय में मुलाकात करने के बाद करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनके मामले पर जल्द ही सरकार बैठक कर सभी पहलुओं पर गौर करेगी। आज हम करुणामूलक नौकरी बहाली एजेंडे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करने पहुंचे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए बीच का रास्ता एजेंडे के माध्यम से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि 3000 परिवार जितने भी हमारे केस पेंडिंग है, लगभग 3000 का आंकड़ा है, सबको जो है नौकरी देने के पक्ष में हूँ। और करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश ने जो भी बीच के रास्ते के सुझाव थे वो हमने सुझाव पेश किए। सबसे पहले हमने जो है पॉलिसी संशोधन को लेकर डिमांड्स करी, उसमें सरकार का यही कहना है कि सरकार जो है जल्द पॉलिसी के लिए संशोधन के लिए जा रही है, लेकिन उसमें जो है समय लग जाएगा। उसमें हम प्रदेश के जो मतलब हमारी राज्य कार्यकारिणी है, उसमें सुझाव दिया हमें कि जितने भी हमारे केस पेंडिंग है, सबसे पहले उनको जो है बैच वाइज अगर भर्ती की जाए, 3 बैचेज में अगर समस्त करुणामूलक परिवारों को उठाया जाता है, तो इससे न सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा और जितने भी हमारे 3000 के आसपास केसेज हैं उन सबको जो है एक मुश्त नौकरी मुहैया हो सकेगी। इसके लिए हमने जो सुझाव पेश किए, सरकार ने उनको एक्सेप्ट किया, और साथ में जल्द से जल्द हमारी जो एक बैठक सरकार के जो अधिकारी हैं उनके अधिकारी लेवल पर हमारी बैठक के लिए सरकार ने हामी भरी है कि जल्द से जल्द करुणामूलक संगठन की जो है 5 सदस्यीय टीम की जो है बैठक सरकार के अधिकारियों के साथ, चाहे वो मुख्य सचिव हो या फिर अन्य हो, इनके साथ बैठक करवाई जाएगी, और जल्द ही बीच के रास्ते से जो है आप लोगों को नियुक्तियाँ दी जाएंगी, और साथ में ही मई महीने से जो है पहला बैच जो है मई महीने से जो है सरकार कोशिश करेगी कि मई महीने से जो फर्स्ट बैच हमारा वो उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।